हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम CGAVEO पेपर 2 के लिए यूनिट 4 देख रहे थे, और यूनिट 4 का हम कौन सा टॉपिक देख रहे थे, तो हम देख रहे थे कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, जिसमें हमने ये जाना कि कोठारी आयोग को और किस नाम से जानते हैं। तो हमने जाना कि नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी हम कोठारी कमीशन को जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से कोठारी आयोग को जाना जाता है। ये आया कब, तो 1964 से लेकर के 66, ये इसका टाइम पीरियड है कोठारी कमीशन का। इसका हमने पार्ट 1 देखा हुआ है और हमने पार्ट 2 देखा हुआ है कोठारी कमीशन का। इससे पहले हमने मुदयार कमीशन को भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। जो भी हमने वीडियोस जो हमने देखे हैं, जो भी हमने लेक्चर्स किए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है AVEO नाम से, उसमें जाकर के आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है कोठारी आयोग का पार्ट 3। ये AVEO पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स है, जो कि हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है। डेली लेक्चर्स डलते हैं इसमें। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए, एनरोल करवाने के लिए, तो आप मोबाइल ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में भी इसकी लिंक पिंड है, वहां से जाकर के आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कि आपको किस तरीके से कोर्स को परचेज करना है और क्या क्या करना पड़ेगा इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए, किस तरीके से आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड कैसे करोगे, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो कि आपको AVEO नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इस कोर्स को परचेज आप कर सकते हो मोबाइल ऐप के थ्रू। और यदि आपको ना समझ में आए तो आप डेफिनेटली ये जो दिया गया जो नंबर है इसमें आप ज़रूर कॉल कीजिए एवं व्हाट्सअप कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप ज़रूर हमें कॉल एवं व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमें देखना है कोठारी कमीशन का पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में हमने देखा क्या था, तो हमने ये देखा था कि सरकार ने कोठारी आयोग का गठन किया और कहा कि उस समय की जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कमी है, आप हमें उसके बारे में बताइए, ठीक है, और साथ में आप उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने भारत देश में एक शिक्षा नीति को ला सकते हैं, उसके लिए आप हमें सुझाव दीजिए, रिकमेंड करो कि किस तरीके से हम एजुकेशन पॉलिसी को लाएं। साथ में डिफेक्ट्स क्या है उस समय के देन एजुकेशनल सिस्टम में, तो वो भी आप हमें रिकमेंड करो कि ये डिफेक्ट्स हैं और उसके बाद में क्या क्या हमें करना चाहिए। तो बिल्कुल कोठारी आयोग ने वही किया, उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये डिफेक्ट्स हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में देख लिया था पार्ट 1 में। और हमने पार्ट 2 में क्या देखा था, तो हमने देखा था सजेशंस देखे थे कि इन्होंने सजेशन देना स्टार्ट किया था पार्ट 2 में। हमने पार्ट 2 को एंड कहाँ किया था, तो हमने कैरिकुलम में एंड किया था, पाठ्यक्रम में एंड किया था, जहाँ पे ये क्या बताए थे, कैरिकुलम को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि हमें पाठ्यक्रम कैसा करना है, हमें 4 भागों में विभाजित कर देना है। वो 4 पार्ट्स कौन से हैं, तो प्री प्राइमरी है फर्स्ट पार्ट, यानी कि प्री प्राइमरी के लिए क्या कैरिकुलम होना चाहिए, प्री प्राइमरी के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि बच्चों को सोशल एडजस्टमेंट नहीं आता है, कि जैसे कि माता पिता स्कूल छोड़ने गए तो बच्चे रोने लग जा रहे हैं कि हमको भी अब घर जाना है, यानी कि वहाँ के वातावरण में बच्चे घुल मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि जानते नहीं, छोटे नहीं, घर से उठ करके सीधा कहाँ गए, स्कूल गए। तो बच्चों को हमें प्री प्राइमरी में क्या सिखाना है, तो सोशल एडजस्टमेंट सिखाना है, साथ में किस तरीके से हाथ धोना, सफाई, ये सब की क्लीननेस के बारे में बच्चों को नहीं पता रहता, कि छोटे बच्चे हैं कि कहीं कि मिट्टी में खेल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं और सीधा जा करके वो अपने लंच बॉक्स को पकड़ रहे हैं, तो उनको क्लीननेस सिखाना है कि हाउ टू वॉश योर हैंड्स, ये सब सिखाया जाएगा। कहाँ पे सिखाया जाएगा, तो प्री प्राइमरी में सिखाया जाएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद तो इन्होंने क्या बताया कि इस तरीके से हम पाठ्यक्रम कर देते हैं प्री प्राइमरी में। फिर उसके बाद बात आती है प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल में ये बोले कि हम ऐसा करते हैं कि प्राइमरी लेवल के लिए हम मदर टंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, मदर टंग मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। कहाँ पे, तो मदर टंग के लिए बताया गया कि प्राइमरी लेवल पे हम ऐसा करते हैं कि मदर टंग में एजुकेशन देंगे, बिल्कुल। फिर उसके बाद इन्होंने सेकेंडरी लेवल माध्यमिक स्तर के लिए क्या बताया, तो माध्यमिक स्तर के लिए इन्होंने
बोला हम मॉरल वैल्यूज़ की एजुकेशन देंगे, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ हो गए, मूल्य हो गए, नैतिक हो गए, इसकी हम शिक्षा देंगे, साथ में हम लोग मैथ्स साइंस सोशल साइंस और बाकी जो भी हिंदी इंग्लिश ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे बिल्कुल लैंग्वेज और लैंग्वेज के साथ में हम पर्टिकुलरली जो जो फील्ड होती है उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर उसके बाद बात आती है कि हायर सेकेंडरी में इन्होंने क्या बोला, तो हायर सेकेंडरी में जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो ये इन्होंने क्या कहाँ पे बताया, तो इन्होंने बताया कि हायर सेकेंडरी में ये उच्च शिक्षा उच्च माध्यमिक स्तर पर हम ये पाठ्यक्रम करेंगे। अब हम देखते हैं कि इन्होंने तो सुझाव दिया पाठ्यक्रम के विषय में किस तरीके से उसे प्रभावी किया जाए, और पाठ्यक्रम के संबंध में इन्होंने आगे और क्या सिफारिशें की हैं, रिकमेंड किया है, उसे हम आज देखेंगे पार्ट थ्री में। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप हमने प्रीवियसली देखा क्या है वो आपने कनेक्ट कर पाए होंगे इतने देर के हमारे डिस्कशंस में, ठीक है। तो देखते हैं, रिसर्च इन द कैरिकुलम दैट शुड बी डन बाय यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स इन ऑर्डर टू अपग्रेड इट। क्या बताया जा रहा है, हमें अनुसंधान की आवश्यकता है, अनुसंधान करना है। क्यों करना है कि पाठ्यक्रम में क्या करना है, अनुसंधान करना है। क्यों करना है, जिससे शिक्षा को उन्नत करने के लिए, शिक्षा को उन्नत करने के लिए, टू अपग्रेड एजुकेशन, शिक्षा को उन्नत करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, पाठ्यक्रम में अनुसंधान किया जाना चाहिए, रिसर्च करो आप, ठीक है। कौन करे, तो विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा बोर्ड करें। कौन करेगा, विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा बोर्ड। आई रिक्वेस्ट यू ऑल बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आयोग है, आयोग की सिफारिशें आपको कोड के फॉर्म में यानी कि कूट की तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीएससी के पैटर्न्स किस तरीके से होते हैं, तो कूट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर आपसे यानी कि सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, या फिर डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट बेस्ड दे दिया है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल बहुत ध्यान से सुनिए लेक्चर को। तो आगे देखते हैं, आगे ये क्या बता रहे हैं, तो आगे ये बता रहे हैं कि विज्ञान शिक्षा पर जोर, एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन मतलब साइंस मैथ्स को क्या कर दो, साइंस और मैथ्स को कंपलसरी फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। साइंस मैथ्स को क्या करोगे, कंपलसरी करोगे। अब आप ये बताओ कि आपने 10th तक जिसकी भी जो भी इच्छा, चाहे मैथ्स समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल, उसके बाद में आपके पास में ऑटोनॉमी आए कि ठीक है अब मुझे तो पढ़ना ही नहीं, मैथ्स तो पढ़ना ही नहीं, मेरे पल्ले पढ़ता ही नहीं है मैथ्स, मैं तो आर्ट्स लेने वाला हूँ, मैं तो, या फिर लेने वाली हूँ, मैं तो कॉमर्स लेने वाली हूँ, लेकिन अब मैथ्स तो हो गया, मैथ्स से मुझे छुटकारा पाना है, या तो मैं बायो की तरफ में मूव करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। बिल्कुल आपका ये था, इन्होंने क्या बताया, लेकिन आपको 10th तक तो पढ़ना ही पड़ा ना, मैथ्स साइंस ये सब तो पढ़ना पड़ा। तो इन्होंने क्या बताया, देखिए कि शिक्षा के पहले 10 वर्षों के लिए विज्ञान गणित अनिवार्य कर दो, यानी कि अब रिलेट करो कि हमने पढ़ा है क्या, हाँ बिल्कुल पढ़ा है, तो बस हमने पढ़ा, यानी कि कोठारी ने कहा, क्या बोलोगे आप अपने दिमाग में, हमने पढ़ा कोठारी ने कहा, केवल एक सिंपल सा एक किस तरीके से आपको याद हो जाए बस वो है, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, लिंक साइंस विथ टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरियाज एंड विथ एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। अब ऐसा करो कि विज्ञान को क्या कर दो, विज्ञान को शहरी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के साथ में जोड़ दो, विज्ञान को शहरी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ो, और ग्रामीण क्षेत्रों में किससे जोड़ दो, कृषि के साथ जोड़ दो। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आप विज्ञान को कृषि के साथ जोड़ दोगे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स की किस तरीके से हम कृषि को उन्नत कर सकते हैं, हम कैसे एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंस से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती। तो आप लोग याद क्या करोगे, इसको कैसे याद करोगे कि विज्ञान को शहरी क्षेत्रों में किसके साथ जोड़ना है, प्रौद्योगिकी। अब बड़े बड़े IT सेक्टर्स कहाँ हैं, शहरों में, ऐसे रिलेट करो, बड़े बड़े IT सेक्टर्स कहाँ पे, बड़े बड़े शहरों में है, तो यानी कि साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है, साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर अधिकतर कहाँ हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, यानी कि अब क्या करना है, हमको विज्ञान को कृषि के साथ में जोड़ देना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बताया है इन्होंने, क्या सिफारिश की है, प्रिपरेशन ऑफ एडवांस्ड कैरिकुला। इन्होंने क्या बोला, उन्नत पाठ्यक्रम तैयार करना है। उन्नत पाठ्यक्रम कैसे तैयार कर सकते, तो इन्होंने बताया
कि स्टेट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन प्रिपेयर एडवांस्ड कैरिकुला इन ऑल सब्जेक्ट्स. इट एडवाइज्ड बोर्ड्स टू इंट्रोड्यूस सच कैरिकुला इन फेसेस सो दैट इट इन फेसेस सो दैट इट कैन फुलफिल द कंडीशन ऑफ द स्टाफ एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज. इन्होंने क्या बोला, उन्नत पाठ्यक्रम तैयार करना है. उन्नत पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने क्या बताया कि राज्य शिक्षा बोर्ड सभी विषयों पर उन्नत पाठ्यक्रम तैयार करे. इसने बोर्डों को इस तरह से पाठ्यक्रम को चरणों में यानी कि फेस वाइज मैनर में आप क्या करो कैरिकुलम को इंट्रोड्यूस करो ताकि यह कर्मचारियों की शर्तों को पूरा कर सकें और सुविधाएँ प्रदान कर सकें. ठीक है, आगे देखिए हम लोग आगे क्या है. अब आपको समझ में आ रहा है इन्होंने क्या बोला है कि सो दैट इट कैन फुलफिल द कंडीशन ऑफ द स्टाफ्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज. आप पढ़ कर के क्या आए हो पूछा जाता है ना, क्या जानते हो, क्या पढ़े हुए हो, क्या पढ़े हुए यानी कि जो भी चाहिए, जो भी कर्मचारियों की जो शर्तें हैं को पूरा कर सके और सुविधाएं भी प्रदान कर सके. हमने ये पढ़ा है, हम ये फील्ड से हैं, तो उसको ही बताया जा रहा है कि उन्नत पाठ्यक्रम को तैयार करना है. ठीक, फिर क्या बोलते हैं सोशल स्टडीज़ के लिए बोले, सोशल स्टडीज़ आज इट इज़ अ गुड फॉर सिटीजनशिप एंड इमोशनल इंटीग्रेशन. सामाजिक अध्ययन के लिए इन्होंने क्या बताया कि यह नागरिकता और भावनात्मक एकीकरण के लिए अच्छा है. क्या सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ में आपने क्या पढ़ा, आपने सिविक्स पढ़ाया. ठीक है, जो पॉलिटी भी होता है वो किसका पार्ट हो जाता है, SST का पार्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे हमने क्या जाना, हमने सिटीजनशिप को जाना है, नागरिकता को जाना, साथ में भावनात्मक एकीकरण को जाना है. भावनात्मक एकीकरण को हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे इमोशनल इंटीग्रेशन. अब इमोशनल इंटीग्रेशन ऐसा है कि आप सब लोग क्या करने वाले, ABO के लिए प्रिपेयर करने वाले. अब ABO के लिए प्रिपेयर करने वालों, तो इसमें जब आप लोग किससे, भावना के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए. क्यों, क्योंकि सबके सब किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ABEO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. अब चाहे वो कंडीशन क्राइटेरिया में क्या ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे, यदि कोई बात आती है तो आप सबके मन में एक ही तरीके से जो विचार जो उत्पन्न होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, भावनात्मक एकीकरण. क्यों, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, एक लक्ष्य है, तो आप एक दूसरे से भले ही आप लोग अलग 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 जगह के हैं या अलग अलग हैं, लेकिन आप सभी किससे जुड़े हैं, भावनात्मक एकीकरण से जुड़े हुए हो. तो ये कैसे पता चला, ये SST के द्वारा आता है. ठीक है, आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है. आगे है भाषा शिक्षण के लिए विशेष योजना, स्पेशल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेज. लैंग्वेज को इन्होंने क्या बताया है कि 3 languages होनी चाहिए. 3 languages कौन सी, तो मदर टंग होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए. हिंदी इंग्लिश शुड बी स्टडीड फ्रॉम class 8 बट नॉट ऑन अ कंपल्सरी बेसिस. क्या बताया है इन्होंने भाषा के संबंध में कि 8वीं कक्षा से 3 भाषाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, लेकिन अनिवार्य आधार पर नहीं. यानी कि अनिवार्य नहीं करना है आपको कि इसी में करना है, नहीं है. क्या है कि आप कर दो, वहाँ पे क्या करो, आप 8वीं से 3 भाषा लाओ. 3 भाषा कौन कौन सी है, तो मातृभाषा हिंदी है, इंग्लिश है. अब जिसकी जो इच्छा वो करे, आप इसको अनिवार्य नहीं बनाओगे. याद रहेगा आप लोगों को इन्होंने क्या बोला है कि 8वीं से आप 3 subjects 3 languages को लाओगे, 3 भाषा को लाओगे, लेकिन उसको कंपल्सरी नहीं करोगे, बट नॉट ऑन द कंपल्सरी बेसिस. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बताया गया है, एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा. अब आप ये बताओ ये क्यों नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देना चाहते, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज क्यों देना चाहते, क्योंकि इन्होंने इसको एज अ डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया था, इन्होंने कमी के रूप में इसे चिन्हित किया था. क्या चिन्हित किया था कि यहाँ के लोगों के पास कोई नैतिकता नहीं है, कोई चरित्र निर्माण की बात किसी भी शिक्षण संस्थानों में और ना ही शिक्षा प्रणाली में की जा रही चरित्र निर्माण की बात, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात नहीं है. इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि पाठ्यक्रम में क्या ला दो, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में शिक्षा देनी है. क्या बताया इन्होंने कि नैतिक शिक्षा प्रदान करने और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करने के लिए संगठित प्रयास करने का सुझाव दिया. याद रहेगा आप लोगों को कोठारी आयोग ने नैतिक शिक्षा के लिए भी सुझाव दिया है, मॉरल वैल्यूज़ के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए. एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज सजेस्टेड मेकिंग ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट्स फॉर इम्पार्टिंग मॉरल एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज़. आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए, केवल और केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की शिक्षा मत दो कि ये कर लोगे ऐसा कर लोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं.
मेंटली लोग क्या है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। अब वो डिप्रेशन में क्यों चले जा रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल वैल्यूज़, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली है, आध्यात्मिक शिक्षा यानी कि उनको ये नहीं पता है कि यदि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, यदि बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, तो किस तरीके से वो अपने आप को शांत कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को शांत कर सकें, ये नहीं जानता व्यक्ति, ठीक है। तो इसीलिए कुठारी आयोग ने क्या बोला कि हमें क्या करना है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करनी है, जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा भी शामिल है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया इन्होंने, द न्यू कैरिकुलम एंड बेसिक एजुकेशन, तो क्या बताते, नया पाठ्यक्रम और बुनियादी शिक्षा के लिए क्या बोले हैं कि शिक्षा एक उत्पादक गतिविधि होनी चाहिए, एजुकेशन मस्ट बी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एजुकेशन मस्ट बी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। और क्या बता रहे, देयर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन कैरिकुलम एंड एनवायरमेंट, क्या होनी चाहिए, एजुकेशन मस्ट बी अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, शिक्षा एक उत्पादक गतिविधि होनी चाहिए। उत्पादक गतिविधि क्या होता है, उत्पादक गतिविधि मतलब आपने पढ़ा, आपने सीखा, अब आप इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो अपनी, आप बिल्कुल, आप पीजी हो, आप बीएड हो, आप जिस भी कैटेगरी के हो, आप जिस भी कैटेगरी हो आप जान रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ाए, आपने शिक्षा ली है, उसके बाद आपको इस बेसिस पे क्या मिल रहा है, आपको जॉब मिल रहा है, जॉब मिल रहा है यानी कि आप क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, यानी कि आपके पास आपको क्या मिल गया, जॉब मिल गया, आप एम्प्लॉयड हो। जब आप एम्प्लॉयड हो, इसका मतलब कि देश की आर्थिक व्यवस्था में आपका सहयोग अब होना प्रारंभ हो गया है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आपकी एजुकेशन से स्टार्ट हुआ था, तो क्या बताया गया, एजुकेशन को क्या होना है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, उत्पादक गतिविधि, आप क्या हो, शिक्षा के उत्पाद हो, कौन हो आप लोग, शिक्षा के उत्पाद हो, जो इंसान सीखता है ये क्या है, जो सीखा गया है वो क्या, उत्पाद है, शिक्षा का उत्पाद है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव, उत्पादक गतिविधि होनी चाहिए, ठीक, कि हम कुछ सीख रहे हैं इससे, ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं कि हो गया बस चल सुन लेते हैं, कुछ नहीं होता, नहीं, हम कुछ सीखें उससे, ठीक है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, क्या बताया गया है कि पाठ्यचर्या और पर्यावरण के बीच में संबंध होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन कैरिकुलम एंड एनवायरमेंट, यानी कि हम अपने पाठ्यक्रम में ही पढ़ लें कि हमें पर्यावरण को दूषित नहीं करना है, कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, किस तरीके से पूरा अभी जो प्रेजेंट में सेव सॉइल मूवमेंट क्यों चलाया जा रहा है, अब इसका यदि लोगों को पता, यदि कीमत पता है कि हमें इस चीज़ को प्रदूषित नहीं करना है, हमको प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं करना है, हमको किस तरीके से हम अपने वातावरण को, अपने एटलीस्ट क्या हम अपने आसपास के वातावरण को ठीक रख सकते हैं, क्या हम इतनी कोशिश कर सकते हैं क्या, तो इन्होंने क्या बताया है कि पाठ्यक्रम को क्या करना है, पाठ्यचर्या बोलिए चाहे पाठ्यक्रम बोलिए, दोनों एक है, तो क्या कर दो, पर्यावरण से जोड़ देना है, इनके बीच में संबंध होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, देयर शुड बी अ कनेक्शन एंड कॉन्टैक्ट विथ लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय समुदायों के साथ एक संबंध और संपर्क होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली को आकार देने में सक्षम बनाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अनेबल्स इन शेपिंग एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल्स, क्या होना चाहिए कि स्थानीय समुदायों के साथ में एक संबंध और संपर्क होना चाहिए, स्थानीय समुदाय, अब स्कूल जहाँ पे ठीक है, वो कैसे एरिया में, किस कम्युनिटी में, कहाँ पे है, वहाँ के लोगों के साथ में एक संबंध स्थापित करना है, तो वो संबंध किस में हेल्प करेगा, एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से शेप करने में वो हेल्प करता है। अब ऐसा है कि हमने स्कूल खोल दिया, अब वहाँ के स्कूल तो बस खोल दियो, अब आपने वहाँ पे स्थानीय समुदायों के साथ संबंध बनाया नहीं, कि अब आपके स्कूल में तो केवल बेंच डेस्क है, केवल खाली, और वहाँ के लोग आए नहीं हैं, वहाँ के लोग आए नहीं, क्यों, क्योंकि आपने संबंध बनाया नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है, हमें क्या करना है कि स्थानीय समुदायों के साथ में संबंध स्थापित करने, संपर्क स्थापित करना है, होगा क्या कि महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सभी स्तरों पर यह शिक्षा प्रणाली को आकार देने में सक्षम बनाता है, आकार, कि आप केवल क्या वो डेस्क बेंच बस रह गए स्कूल में, या विद्यार्थी भी हैं, बच्चे भी हैं, तो कैसे आएंगे, स्थानीय लोग तो आएंगे ना, स्थानीय लोग ही आने वाले, तो उनके साथ संबंध बनाइए, तो ऑलरेडी क्या होगा, शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों में आकार आता जाएगा। फिर क्या बताया गया, सोशल सर्विस प्रोग्राम्स करो, सोशल सर्विस प्रोग्राम, समाज सेवा कार्य, सामाजिक सेवा कार्यक्रम करिए,
सामाजिक सेवा कार्यक्रम के लिए क्या बता रहे हैं, सच प्रोग्राम्स एंड पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल्स इन एन ईच एप्रोप्रिएट मैनर। सामाजिक सेवा कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम और सामुदायिक विकास में भागीदारी को विभिन्न स्तरों पर आयु उपयुक्त तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। यानी कि इनको अलग 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 आप क्या करो, आप ऐसा कर दो कि ऐसी एक्टिविटीज़ लाओ जहाँ पे पहले तो बच्चों के लिए हो जाए कोई एक्टिविटी, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े बच्चों के लिए हो जाए, फिर उसके बाद जो लोग और भी बड़े हैं, और भी बड़े मतलब कि उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं, हायर सेकेंडरी, उनके लिए कुछ कर दो। फिर ऐसी गतिविधि लाओ आप अपने स्कूल में कि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता जाए, यानी कि स्थानीय लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता जाए। यानी कि आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, आप एनुअल फंक्शन कर रहे हो, ठीक है, वार्षिकोत्सव कर रहे हो, फिर उसके बाद वार्षिक खेल का आयोजन कर रहे हो, आप कोई प्रोग्राम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसा लाओ कि जहाँ पे आप बोलो कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें से क्या होगा कि आयु उपयुक्त तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए क्या, सामाजिक सेवा कार्यक्रम। और सामुदायिक ये हेल्प किस में करेगा, तो सामुदायिक विकास में भागीदारी के विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जाना चाहिए। वहाँ पर क्या करना है कि क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा है, कम्युनिटी डेवलप, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयु उपयुक्त कार्यक्रम करिए। ऐसा हमें क्या करना है, हमें ये पाठ्य चर्चा में ही होनी चाहिए ये सब चीज़ें। किसने बता रहा है, ये कुठारी आयोग ने बताया। अब आप आ जाइए एरियाज ऑफ कैरिकुलर स्टडीज फॉर सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, इन्होंने माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यचर्चा अध्ययन के क्षेत्र में इन्होंने क्या बताया। अभी तक हमने क्या देखा, तो अभी तक हमने देखा एक ओवरऑल क्या होना चाहिए, ओवरऑल पाठ्य चर्चा के लिए इन्होंने क्या क्या सिफारिश की है, ठीक है। बिल्कुल, हमने क्या देखा कि लैंग्वेज लाओ, तीन लैंग्वेज लाओ, मातृभाषा लाओ, आप हिंदी लाओ, इंग्लिश लाओ, आठवीं से लाओ, लेकिन आप उसको अनिवार्य मत करो। फिर उसके बाद शिक्षा को क्या कर दो, आप पर्यावरण के साथ, यानी कि पाठ्यक्रम को पर्यावरण के साथ में जोड़ दो। तो इस तरीके से हमने पूरा डिफरेंट डिफरेंट क्या देखा, इनकी सिफारिशें देखी। अब हम देखते हैं ये माध्यमिक स्तर के लिए स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं, उसको अब हम देखते हैं, ठीक। तो इन व्यू ऑफ द कमीशन सेकेंडरी स्टेज कैन बी स्टडीड अंडर टू कैटेगरीज, लोअर सेकेंडरी स्टेज और हायर सेकेंडरी स्टेज। क्या बोलते हैं, ये माध्यमिक स्तर को ना दो श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं हम, और वो दो श्रेणी क्या होती है, एक निम्न माध्यमिक स्तर और एक उच्च माध्यमिक स्तर, हायर सेकेंडरी जिसको बोलते हैं। तो जो निम्न वाली होगी, इसका मतलब वो कक्षा आठवीं से लेकर के दसवीं तक की बात करी जा रही, आठवीं नौवीं दसवीं, ये निम्न है, ये निम्न माध्यमिक स्तर हो गया। और उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि ग्यारहवीं बारहवीं आप मान करके चलिए, है ना। अब डायरेक्टली इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो वही मीनिंग है। अब ये जो है, इन्होंने क्या बताया कि अब ये माध्यमिक स्तर, ये जो निम्न की माध्यमिक स्तर है यानी कि लोअर सेकेंडरी स्टेज है, जो कि क्लास एट से लेकर के टेंथ तक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, अब ये बता रहे हैं। तो ये बताते हैं, इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, इन नॉन हिंदी यानी कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण दो। भाषा के कौन सा एरिया है ये, गैर हिंदी भाषी, जैसे कि आप साउथ इंडिया में चले जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे कक्षा आठवीं से लेकर के कक्षा दसवीं तक आप क्या करो, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, याद करो उन्होंने क्या बोला, पूरा कंबाइन रूप में क्या बोला, कक्षा आठवीं से क्या कर दो, मातृभाषा ला दो, लेकिन अनिवार्य मत करो, अनिवार्य मत करो। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि अच्छा आप ऐसा करो कि ना, कि जब माध्यमिक, जो निम्न माध्यमिक स्तर है कक्षा आठवीं से लेकर के दसवीं, वहाँ पे ना मातृभाषा को कर दो, मातृभाषा को कर दो, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चा पढ़ो, ठीक है, पढ़ना है। अब आपके ऊपर है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन वो देखा जाए तो वो तो अपनी ओर से बोल दिए कि पढ़ना है। अब ये आपके ऊपर है ना कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि ये तो कंपलसरी है कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे जॉब कोई ना कोई सी निकालनी ही है, समझ रहे हो। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मातृभाषा लाओ, लेकिन कंपलसरी मत करो, अनिवार्य नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद ये आगे बोलते हैं कि कहाँ पे अनिवार्य है, तो बता रहे कि जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है आप वहाँ पे क्या कर दो, अनिवार्य शब्द का फिर भी इन्होंने उपयोग नहीं किया, क्या बोला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, यानी कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। फिर हिंदी एट हायर और लोअर लेवल,
उच्च या निम्न स्तर पर हिंदी होनी चाहिए। फिर क्या बोले, उच्च या निम्न स्तर पर अंग्रेजी। ये कौन सा क्षेत्र है, तो देखो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के लिए इन्होंने ये बता दिया है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी और मातृभाषा। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में क्या करना है हमें, यानी कि हिंदी भाषी से अब उत्तर भारत में चले जाइए, मध्य भारत में आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, यानी कि मदर टंग रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर इंग्लिश तो होना चाहिए इंग्लिश के लिए। फिर उसके बाद अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी, हिंदी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए, आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी के अलावा। क्यों, क्योंकि ये तो हिंदी जानते ही हैं, क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो उसके अलावा एक सब्जेक्ट, एक भाषा लाओ, और वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स लाओ, क्या लाओ, मैथमेटिक्स लाओ, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, कला, कार्य अनुभव और समाज, और नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों में शिक्षा, यानी कि मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, आर्ट्स, वर्क साइंस एंड सोशल सर्विसेज, एजुकेशन इन मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज। ये इन्होंने बताया है कि ये सब यहाँ पे होने चाहिए। ये टू तक, ये हिंदी एक पहले हमने देखा गैर हिंदी, फिर हमने देखा फिर हिंदी भाषी क्षेत्र, फिर उसके बाद हमने देखा तीसरा क्या है, मैथमेटिक्स ला दो, साइंस ला दो, हिस्ट्री, यानी कि लैंग्वेज भी हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स भी हो गए। तो ये इन्होंने क्या बताया, ये माध्यमिक स्तर पर ये सब होने चाहिए। और वो माध्यमिक स्तर क्या है कि निम्न माध्यमिक स्तर, ठीक है, क्लास 8 से लेकर के 10 की बात आती है। अब हायर सेकेंडरी के लिए, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उन्होंने क्या बताया कि कोई भी दो भाषाएं जिनमें कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा शामिल हो, क्लासिकल लैंग्वेज। अब इसमें इन्होंने बताया, याद रहेगा आप लोगों को, क्लासिकल लैंग्वेज बोला है इन्होंने लैंग्वेज के संबंध में, एनी टू लैंग्वेज इंक्लूडिंग एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और एनी क्लासिकल लैंग्वेज। कोई मॉडर्न आधुनिक भारतीय भाषा हो या शास्त्रीय भाषा हो, कोई भी दो भाषाएं जिनमें ये सब होनी चाहिए, दो भाषाएं यहाँ पे किसके लिए इन्होंने बताया है, हायर सेकेंडरी स्टेज के लिए बताया। फिर एनी थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, अब इनमें से ये जो लिस्ट इन्होंने दिया है इसमें से कोई तीन सब्जेक्ट को चुन लो। उच्च की शिक्षा है ना, उच्च माध्यमिक है, तो देखो क्या है, चाहे हिस्ट्री चुन लो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। अब आप ये बताओ, यही तो चुने हो कि नहीं, यही आपने सिलेक्ट किया है कि नहीं। बिल्कुल, यदि आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, और आपने क्या पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, और आपने मैथ्स पढ़ा है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, एनी थ्री सब्जेक्ट्स, तीन सब्जेक्ट को चुन लीजिए। अब आप क्या पढ़ के आए, अब आप चुन लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया, वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस, कार्य अनुभव और समाज सेवा। फिर फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा भी देना अनिवार्य है। फिर क्या है, आर्ट और क्राफ्ट, कला या शिल्प। फिर एजुकेशन इन मॉडर्न एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, आधुनिक और आध्यात्मिक मूल्यों में शिक्षा। ये आप देख रहे हो, ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। क्यों, क्योंकि ये इन्होंने कमी के रूप में बताया है, तो इसको ये नहीं छोड़ सकते। ये जो नैतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, जहाँ पे चरित्र निर्माण की बात आ रही है, ये इसको हर एक क्षेत्र में, हर एक स्तर के लिए इन्होंने बताया है कोठारी आयोग ने। आगे देखिए, सजेशंस रिगार्डिंग फाइनेंस, वित्त के संबंध में ये क्या सुझाव देते हैं, तो देखते हैं वित्त के संबंध में इनका सुझाव क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट 6% ऑफ इट्स इनकम इन द एजुकेशन सेक्टर। ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार को शिक्षा में कितना सहयोग करना चाहिए, तो 6% शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने की आवश्यकता है। कौन, तो केंद्र सरकार को। फिर क्या बता रही है कि शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए ताकि राजकोष में वृद्धि की जा सके। एजुकेशन को क्या कर दो, एजुकेशन शुड बी मेड वोकेशनल सो डैट द एक्सचेकर कैन बी इंक्रीज्ड। एजुकेशन को आप क्या कर दो, व्यावसायिक बना दो। एजुकेशन को क्या करो, व्यावसायिक बनाओ, यानी कि जो भी स्कूल स्थापित कर रहे हैं, एजुकेशन शिक्षण संस्थान आ रहे, वो क्या है, व्यवसाय के रूप में व्यावसायिक बनाओ, वोकेशनल बना दो। उससे क्या होगा, एक्सचेकर में वृद्धि होगी, राजकीय कोष बढ़ता जाएगा, इन्होंने बोला है। और वही किया गया है कि नहीं, बिल्कुल वही तो किया गया है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या बताया गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इन्वेस्ट मोर ऑफ देयर इनकम इन एजुकेशन।
प्रांतीय सरकारें भी क्या करें कि अपनी आय का अधिक से अधिक शिक्षा में निवेश करें। अब आपको ध्यान क्या देना है कि केंद्र सरकार के लिए इन्होंने क्या बोला है कि 6% निवेश करेगी केंद्र सरकार, लेकिन प्रांतीय सरकार के लिए इन्होंने कोई वैल्यू कोई नंबर नहीं दिया। इन्होंने बोला आप अपनी आय का अधिक से अधिक निवेश करो, अधिक से अधिक, ठीक है, मोर, यानी कि आप इन्वेस्ट करो मोर ऑफ देयर इनकम इन एजुकेशन। फिर उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे इन्होंने एक जो हमें ध्यान देना है कि इन्होंने ग्राम पंचायत का भी इन्वॉल्वमेंट बोला है। क्या बोला है देखिए कि ग्राम पंचायत शुड ऑल्सो कंपेल्ड टू मेक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स थ्रू विच द लेवल ऑफ एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड इन रूरल एरियाज और ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ सके, शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके, उसके लिए ग्राम पंचायतों को भी निवेश करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों को, तो क्या आपको याद रहेगा कि वित्त कहाँ कहाँ से ये बोल रहे हैं कि आना चाहिए? तो वित्त के लिए ये बोलते हैं 6% केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकारें या प्रांतीय सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की कोशिश करेंगी अपनी आय का, और ग्राम पंचायतें भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करेंगी। ये इन्होंने वित्त के लिए सुझाव दिया है। ठीक, आगे देखते हैं और क्या बोला है इन्होंने। नगर पालिकाओं के लिए भी बात कही है, इन्होंने क्या कहा कि नगर पालिकाओं को भी शिक्षा के लिए वित्त व्यवस्था करनी चाहिए। म्यूनसिपालिटीज की भी इन्होंने बात की, तो याद करो, बोलो साथ में बोलो। पहली बात तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोला, फिर उसके बाद इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए बोला, फिर उन्होंने ग्राम पंचायत के लिए बोला, फिर इन्होंने म्यूनसिपालिटीज के लिए बोला है। याद रहेगा आप लोगों को, रिपीट करो, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या बताया जा रहा है, सजेशंस रिलेटेड टू एवैल्यूएशंस, मूल्यांकन कैसे करना है, मूल्यांकन से संबंधित सुझाव क्या है। तो देखते हैं मूल्यांकन से संबंधित इनके सुझाव हैं। देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ इंटरनल असेसमेंट एट द प्राइमरी लेवल। क्या करना है, आंतरिक मूल्यांकन करना है। कहाँ पे करना है, तो प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। इंटरनल असेसमेंट की बात इन्होंने बताई है, और क्या बोला इन्होंने, ऑब्जेक्टिव टेस्ट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सो दैट गिवन नंबर्स कैन बी एक्यूरेट एंड रिलायबल। अब आप ऐसे रिलेट करो, कोठारी ने बताया है कि ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कोठारी ने वास्तुनिष्ठ परीक्षण आयोजित किए जाने चाहिए, इन्होंने बोला, ताकि क्या हो, संख्याएं सटीक और विश्वसनीय हो सके। अब आप ऐसे रिलेट करो कि एबीओ का एग्जाम देना है, एबीओ में ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो कोठारी ने ये भी बोला कि सटीक आंसर निकालना है, तो सटीक आंसर के लिए ऑब्जेक्टिव ला दो, ठीक है। मुदलियार ने भी ऑब्जेक्टिव की बात की थी, कुठारी ने भी ऑब्जेक्टिव की बात की है, इन्होंने बकायदा ऑब्जेक्टिव के रूप में से मुदलियार ने MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुदलियार ने भी बोले था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया, कुठारी आयोग ने भी क्या बताया है कि वास्तुनिष्ठ, यानी कि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट करवाओ। क्यों करवाओ, जिससे जो भी आंसर है वो विश्वसनीय और संख्याएं सटीक निकले, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, आगे किस तरीके से मूल्यांकन के लिए इन्होंने बोला है, अ पब्लिक एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास 10th। क्या बताया इन्होंने कि कक्षा 10वीं के अंत में क्या करना है, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करना है। शुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में क्या करना है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में कक्षा 10वीं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करनी है। पब्लिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, कब, तो क्लास 10th के एंड में। अब ये बताओ प्राइमरी के लिए इन्होंने क्या बताया, तो प्राइमरी के लिए इन्होंने इंटरनल असेसमेंट बोला है, आंतरिक मूल्यांकन बोला है। याद रहेगा आप लोगों को, क्लास 10th के लिए इन्होंने क्या बताया, तो क्लास 10th के लिए इन्होंने सार्वजनिक परीक्षा पब्लिक एग्जामिनेशन बताया है। हु कंडक्ट दिस पब्लिक एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में ये जो है सार्वजनिक परीक्षा 10वीं के अंत में आयोजित की जाएगी। याद रहेगा आप लोगों को, आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, ग्रेड सिस्टम ला दो। क्या ला दो, ग्रेडिंग करेंगे हम लोग, ग्रेड परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं के अंक देने की जगह आप क्या कर दो, ग्रेड व्यवस्था अपनाओ, अंक मत दो, ग्रेडिंग दो आप इसमें, ठीक है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जितना है आप ग्रेड दो इनको, ठीक है, अंक मत दो। ग्रेड सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड इंस्टीड ऑफ गिविंग मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम में ग्रेड दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया, ओरल एग्जामिनेशन शुड ऑल्सो बी एनकरेज्ड एट द सेकेंडरी लेवल, यानी कि माध्यमिक स्तर पर क्या करना है, मौखिक परीक्षाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
कहाँ पे? तो माध्यमिक स्तर, माध्यमिक मौखिक, म म दिख रहा है इसमें आपको, म और म, माध्यमिक मौखिक, माध्यमिक मौखिक, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि माध्यमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, मौखिक परीक्षाओं को प्रोत्साहित करने की इन्होंने बात की है। फिर उसके बाद अब ये क्या बता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं किससे रिलेटेड, विश्वविद्यालयों के संबंध में सुझाव देते हैं, यानी कि सजेशंस रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी। अभी तक हमने क्या देखा, हमने मूल्यांकन के संबंध में देख लिया, वित्त के हमने वित्त के संबंध में देख लिया, हमने मूल्यांकन के संबंध में देख लिया, हमने पाठ्यक्रम को देख लिया, ये सब हमने देखा। अब आप आ जाइए कि विश्वविद्यालय के संबंध में ये अपने क्या राय दे रहे हैं, प्रस्तुत किए, तो उसे हम देखते हैं कि भारत के सभी विश्वविद्यालयों को अंत विद्यालय परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए। क्या बताया है इन्होंने, ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया शुड बी मेड मेंबर्स ऑफ अंत विद्यालय काउंसिल, ठीक है। फिर 1/3 मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होगा, है ना, यूजीसी है ये, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुड बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यानी कि सभी विश्वविद्यालयों को क्या कर दो, अंत विद्यालय अंतविद्यालय परिषद यानी कि अंतविद्यालय काउंसिल का सदस्य बना दो सभी विश्वविद्यालयों को। अब फिर क्या बताया इन्होंने कि 1/3 विश्वविद्यालय भव्य आयोग, विश्वविद्यालय ग्रांड नहीं होगा, है ना, यूजीसी, ये थोड़ा सा गलत लिया गया है, यहाँ पे गलत लिखा गया, ये यूजीसी की बात की जा रही, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए, यानी कि ये जो विश्वविद्यालय के कितने, 1/3 सदस्य, क्या बताया गया कि यूजीसी के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि बनेंगे, 1/3 मेंबर्स ऑफ द यूजीसी शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें क्या होंगे, तो 1/3 सदस्य तो यूजीसी के होंगे, किस तरीके से होंगे, तो प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य कर रहे होंगे, प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या बताया है कि मोर इंस्टीट्यूशंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन द सेंटर, केंद्र में और संस्थान स्थापित करने की बात इन्होंने कही है कि और भी संस्थान खोलिए, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि उच्च अध्ययन केंद्रों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, मोर एंड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू द सेंटर्स ऑफ हायर स्टडीज, यानी कि जो उच्च की शिक्षा प्रदान करते हैं तो उन्हें आप क्या करो, और भी ज़्यादा वित्त पोषित करो, यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करो, फाइनेंशियली उनको और भी ज़्यादा आप असिस्ट करो। फिर क्या बताया इन्होंने, इट इज़ मैंडेटरी टू टेक परमिशन फ्रॉम यूजीसी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटी, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए यूजीसी से अनुमति लेना अनिवार्य है, ये होता है कि नहीं। फिर आगे देखिए, आवश्यक होने पर ही विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन नेसेसरी, ये नहीं कि लंगर के भाव में आप खोल के रखे हो, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है तो भी नहीं नहीं हम ना ये वाली यूनिवर्सिटी नहीं, हम अपनी अलग यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो नहीं भैया, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर खोलिए, जहाँ पर आवश्यकता है नहीं है वहाँ पर मत खोलिए, ये कौन बोला, कोठारी आयोग ने बोला, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं इन्होंने, आगे ये बताया है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, यानी कि इतना सारा सुझाव हमने तो देख लिया, लेकिन एक क्रक्स तो निकले कि आखिरकार इन्होंने क्या आखिर किया क्या, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना कि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या रहा शिक्षा के क्षेत्र में, क्यों, क्योंकि इन्हें तो बनाया ही इसलिए गया था कि आप शिक्षा प्रणाली, हम आगे की नीति कैसे बनाएं, शिक्षण नीति हम कैसे बनाएं, आप उसके लिए हमें सुझाव दो, तो इतने सारे सुझाव तो इन्होंने दिए, लेकिन अब उसका परिणाम क्या निकल के आया तो हम देखते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार से जोड़ा जाना चाहिए। क्या बताया इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन एजुकेशन शुड बी लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पाया कि जो उस समय की जो शिक्षा चल रही थी उसमें राष्ट्रीय पुनर्गठन की बात नहीं कही गई थी, इसीलिए जो बीमारी, अब बीमारी की ही दवाई दिए हैं तो दवाई क्या है, जो प्रॉब्लम है वही तो सॉल्यूशन है, आपने ये जाना, अरे मेरे को ना ये तकलीफ़ है तो उसी का निवारण करना चाहोगे ना, तो बस वही है। इन्होंने बोला कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात नहीं करी गई है, तो इन्होंने बोला कि शिक्षा को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार से जोड़ दो, ठीक है।
आगे आए, आगे क्या बताया इन्होंने, द एंटायर वर्क ऑफ इंक्रीजिंग द बजट ऑफ एजुकेशन हैज बीन कंप्लीटेड ओनली थ्रू द कोठारी कमीशन। शिक्षा का बजट बढ़ाने का सारा काम कोठारी आयोग के जरिए ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला, क्या बोला, कि 6% केंद्र सरकार लगाएगी, प्रांतीय सरकारें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा आय का अधिक से अधिक निवेश करने की कोशिश करेंगी, ग्राम यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी इन्होंने बोला, ग्राम पंचायत के लिए भी इन्होंने बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि विलेज रूरल एरियाज में ग्राम पंचायत भी निवेश करेंगी, म्यूनसिपालिटीज़ के लिए भी इन्होंने बोला है कि आप भी निवेश करिए। इसका मतलब इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बजट की तो बात की, बिल्कुल यानी कि निवेश की इतनी ये बात कर रहे, और बकायदा अब ये क्या बोल रहे कि शिक्षा का बजट, क्या बोल रहे कि शिक्षा का बजट बढ़ाने का सारा काम कोठारी आयोग के जरिए ही हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इट हैज स्टार्टेड अ न्यू एरा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। एक नई, क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी सारी चीज़ें सुझाई हैं, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने सुझा दी जिसको हम उसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हो? अच्छा ये बताओ, क्या आपने 10वीं तक क्या आपने जाना कि मैथ्स और साइंस आपके लिए अनिवार्य सब्जेक्ट्स थे कि आपको पढ़ना ही है, उसके बाद में आपने अपनी फील्ड को सिलेक्ट किया है? सिलेक्ट किए हो ना? बिल्कुल सिलेक्ट किए हो। ठीक है, फिर जिस तरीके से अब ये कब आई थी, तो 1964 और 66 में आई थी। ठीक है, ये ऐसा आयोग था जो कि संवैधानिक तरीके से लाया गया था, संवैधानिक तरीके से लाया गया, और इनको बोला गया कि हम अब आगे अपने देश में शिक्षा नीति लाने वाले हैं, आप हमें सुझाव दो कि हम कैसे करें। ये कोठारी आयोग एक फाउंडेशन का काम करता है, एक बेस का काम करता है, एक आधार है, एक आधारशिला का काम करता है। किसके लिए? तो हमारे देश की शिक्षा नीति के लिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी, और कोठारी आयोग की सिफारिशें जो अभी हमने देखी, इन्हीं की सिफारिशों को ध्यान में रख करके हमारे देश में शिक्षा नीति बनाई गई हैं, एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई हैं। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम अपनी जो हम पढ़ कर के आए हैं उससे हम लिंक कर सकते हैं, हालांकि उसको समय के साथ में उसको मॉडिफाई किया गया है कि नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मॉडिफाई समय के साथ हुआ है, लेकिन एक आधार के रूप में। अब ABCD बचपन में आप लोग पढ़े, उसके बाद में एप्पल पढ़े, लेकिन आज बहुत कुछ ए से पढ़ रहे हो, बहुत कुछ बी से पढ़ रहे हो, हर चीज़ जान रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन आधार क्या था आपका? आधार तो वही ABCD था, आधार तो आपका अ आ ई ई फिर क ख ग घ ही तो आधार बना है। उसके बाद में आप अब चाहे कितनी भी गिनती गिन लो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से क्यों? 1 2 3 4 तो स्टार्ट किए हो उससे पहले, यानी कि आधार किसने बना दिया? कोठारी आयोग ने बताया बना दिया। किसके लिए? तो शिक्षा नीति के लिए। अब उसके बाद बहुत सारे, चाहे अब शिक्षा नीति आएंगी और आयोग का गठन होगा, सब अपने अपने स्तर पर सभी लोग अलग अलग बातें करेंगे। इसीलिए बोला गया है कि इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोठारी आयोग जो है यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन आपके सिलेबस का कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम आगे का जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जब अब स्टार्ट क्या होगा, अब एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट होगी, क्या होगा, शिक्षा नीति स्टार्ट होने वाली है। क्यों? कोठारी आयोग आ गया, कोठारी आयोग के बाद आपके सिलेबस में क्या दिया, शिक्षा नीति। अब हम क्या देखेंगे, शिक्षा नीति को देखेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा? तो आपको यदि अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। आपका जो शेयर है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएं जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करें। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।